सब परिश्रम करते हैं और हमें इसका फल भी मिलता है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि परिश्रम हम करते हैं किंतु श्रेय किसी और को मिल जाता है या कोई और ले जाता है। अब ऐसे में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उसके पश्चात कार्य करने में मन नहीं लगता, हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना ही बंद कर देते हैं, चिंतित रहते हैं यदि पुनः मैंने ऐसे ही परिश्रम किए और पुनः इस परिश्रम का श्रेय कोई और ही ले गया तो परिश्रम करके ही क्या लाभ है, और इसका परिणाम ये संसार आपको निकृष्ट मानने लगता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे में करें तो करें क्या। आपको एक बात बता दूं कि यदि आप इस बात की चिंता ही ना करें कि आपके परिश्रम का श्रेय किसी और को जाएगा तो आप इस संसार में महान से महान कार्य कर सकते हैं, हर बार स्वयं से ऊपर जा सकते हैं, और ये सीढ़ी बड़ी लंबी है। स्मरण रखिएगा, जब किसी बगीचे में पुष्प खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, किंतु जब सुगंध आती है तब लोग माली को नहीं पुष्प को स्मरण करते हैं। इसलिए निर्विकार प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, आपको श्रेय अवश्य मिलेगा। भले ही लोग आपको श्रेय देना भूल जाए कि प्रकृति कभी नहीं भूलती। राधे राधे।